देखिए दोस्तों, मैं स्नैक्स एवर सलमान पठान और एक बार फिर से आपके साथ में हाजिर हूँ। और आज एक समस्या ये है कि नलवर का फिल्टर प्लांट है और इस फिल्टर प्लांट के अंदर जो पानी की मोटरें डली हुई हैं उसमें जो गड्ढे टैंक बने हुए हैं उसमें मॉनिटर रिजल्ट गिर गया, मतलब एक गोए गिर गई है। और कई दिनों से, कितने दिनों से? परसों से इसमें। और देखिए 3 दिन से इसमें गोए डली हुई है, उसको हमें निकालना है। किस तरीके से निकालेंगे आप बने रहें और देखते रहें किस तरह कितना ख़तरनाक काम होगा। दिख रहा है इसको जहां से निकालना है, और अभी इसको यहां से रेस्क्यू करके निकाला जाएगा वापस। देखिए दोस्तों, पकड़ने के लिए हमने रस्सा डाल दिया है और उसको बाहर निकालना है। तो देखिए दोस्तों, हमने इसको यहाँ से पकड़ लिया है, इसको हम निकालेंगे वापस। कुछ कट्टे का इंतजार करने क्योंकि मैं काफ़ी चिकनी को खड़ा हुआ हूँ यहाँ पर, काफ़ी परेशानी आ रही है यहाँ पर खड़े होने में, बैलेंस बनाने में। और इसको हमने यहाँ से पकड़ लिया है, इसको वापस पैक करके रख दिया ना, इसको पर्यावरण में छोड़ा जाएगा। देखिए कितनी काफ़ी बड़ी है, कई दिन से इसमें फंसी हुई थी, इसको पानी में कई दिन से फंसी हुई थी, इसको हमने यहाँ से रेस्क्यू कर लिया है और अब इसको कट्टे में डालकर इसको बाहर निकाला जाएगा ताकि ये बाकी जिंदगी अपने पर्यावरण में जिए। इसको अभी जो फिल्टर में से रेस्क्यू किया है, अब इसको वापस इसके पर्यावरण में हम यहाँ पर छोड़ने आया, काफ़ी बाकी की ज़िंदगी अपनी जो पर्यावरण में जिएगी। तो दोस्तों, मैं इसके बारे में आपको एक जानकारी देना चाहता हूँ कि इसकी जानकारी क्या है। तो देखिए, ये एक गोए है और काफ़ी बड़ी होती है ये गोए। ये एक गोए है, काफ़ी बड़ी है, इसके लंबे लंबे नाखून होते हैं। ज़रा करीब से दिखाइए, इसके लंबे लंबे नाखून होते हैं जो मेरी स्क्रीन पर इसने गड़ाए हैं। जो आप देख सकते हो, इसने अपने नाखून मेरे स्क्रीन पर जो हाथ पर गड़ा दिए हैं। और मैं आपको इसके बारे में, कई अफवाह है दोस्तों कि इसमें जहर होता है, इसमें किस प्रकार का जहर नहीं होता है। ये बिल्कुल जहरीली नहीं है, लोग इसको जहरीली समझ के मार देते हैं, लेकिन ये आसपास के गांवों में, घरों में इसलिए खाने पीने की तलाश में घुस जाती है, इसलिए लोग इसको समझते हैं कि जहरीली होती है। इसमें बिल्कुल भी जहर नहीं होता है दोस्तों, आप देख सकते हो कितनी बड़ी है। और इसके जो बच्चे होते हैं वो चंदन गोयरे होते हैं, जो अपन चंदन गोयरा बोलते हैं, तो ये बिल्कुल भी जहरीले नहीं होते। अब इसके पर्यावरण में हम इसको दोस्तों छोड़ने जा रहे हैं, आप देखिए किस तरीके का इसको हम छोड़ते हैं। ये वापस अपने पर्यावरण में अब चली जाएगी, अभी आराम कर रही, काफ़ी थकी हुई है इसी के लिए।